हल है तो हल है तो हल है तो आज असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो मुनासिब है कि हम अपने आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से अपने दुखों का इजहार करें। उमर साहब, ये जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा सोपोर का इलाका। हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो अभी कई परेशानियों से गुजर रहा है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सेब का, हमारा बांग्लादेश में जो टैक्स एक्सपोर्ट टैक्स लग रहा है, इसी तरह जो हमारी दवाइयों पे जीएसटी लग रहा है, बिहार की खादे नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही। इसके अलावा हमारे को मार्केट में और भी कई चीजों की दुश्वारियां हैं, जिससे हमारी इक्तिसादी मामला पे असर पड़ रहा है। ये इलाका फ्रूट इंडस्ट्री या फ्रूट बेल्ट से जाना जाता है। आपने पिछले एक साल में मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ कई मीटिंग्स में जिस तरह से इस सेक्टर को उठाने की बात की, परेशानियां जानने की बात की, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मगर मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत में आपका खास तवज्जो इस तरफ रहेगा। बीरवा से इलेक्शन लड़ रहा है जो कल पैसा बांटते हुए पकड़ा गया। अब इंजीनियर रशीद साहब कहते हैं मेरे पास चप्पल के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन उसका बीरवा का एमएलए जो चेयरमैन रहा वहां 5 साल, जिसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कहने पे काम किया, आज एआईपी की टिकट पर लड़ रहा है। तो हम किस चीज को सच माने, उसके कहने को या उसके करने को? हकीकत ये है कि उसको मैदान में लाया गया सिर्फ इसलिए कि वो आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करे, आपके वोटों को तकसीम करे और आपकी आवाज कमजोर हो जाए। अब देखिए आप पार्लियामेंट में ये हुआ, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन असेंबली, इस असेंबली की अहमियत उससे ज्यादा है। अगर आप लोग मौजूदा हालात से मुतमैन हो तो फिर आप एआईपी को वोट दो, आप पीसी को वोट दो, आप अपनी को वोट दो, आप आजाद उम्मीदवारों को दो, मुझे कोई दिला नहीं होगा।